हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, आर यू गिविंग टाइम टू योरसेल्फ। तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है इसी टॉपिक के बारे में, और हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है और आप किस तरह से अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जो आज का टॉपिक मैंने पिक किया है उसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है। वो रीज़न ये है कि हम लोग आज की डेट पे एक रैट रेस का हिस्सा बन गए और हम लोग दौड़ रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर हम सुबह से अपनी शाम तक की दिनचर्या के बारे में बात करें तो हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं और दिन भर ऑफिस का काम करने के बाद शाम को थक हार के 6-7 बजे ऑफिस से निकलते हैं, 8 बजे 8:30 बजे घर आते हैं और उसके बाद खाना पीना खाया, फैमिली के साथ थोड़ी बहुत देर बात किया, बैठे और फाइनली सो गए। तो ये रूटीन हमारा कई सालों से चलता आ रहा है और इसमें ना कोई इम्प्रूवमेंट है ना कोई बढ़ोतरी है, और हर कोई इस जो रूटीन है इससे बाहर आना चाहता है। पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहीं ना कहीं पर वो एक ब्लॉकेज है जिस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा सा ना डीप थॉट लेके आना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इन चीज़ों को अगर हम कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, तो वो कैसे और उसका क्या आउटकम हमारी लाइफ में आ सकता है और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि हम इस एक जो रैट रेस है उसमें जो फंसे हुए हैं उससे निकल कर कुछ वैल्यू एडिशन अपनी लाइफ के साथ खुद के साथ कर पाएँ, कुछ जस्टिस खुद के साथ कर पाएँ और थोड़ा सा वैल्यूएबल टाइम अपने लिए और अपने फैमिली के लिए निकाल पाएं। तो कुछ हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कि हम इन सब चीज़ों से बाहर आके कुछ बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करें। तो चलिए हम इसी बारे में फर्दर डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे जो आज का टॉपिक हमने लिया है, क्या आप अपने आप को समय देते हैं। तो इससे अगर आप ये चीज़ें करना शुरू करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको आगे बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ हम उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मैंने कुछ 7-8 बेनिफिट्स लिस्ट डाउन किए हैं, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स काउंट किए जा सकते हैं, पर ये वो बेनिफिट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं जो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बेनिफिट्स में से एक हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग थ्रू आउट दी डे बहुत बिजी रहते हैं, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, पर बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें से कुछ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें जिसे हम मी टाइम कह सकते हैं। और इस टाइम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको आगे चल के इस वीडियो में, अगर हम वो एक्टिविटीज़ फॉलो करना शुरू करें तो उससे हमें हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बेहतर होते हुए नज़र आएंगी। जिसमें से हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट मैं कहूँगा कि हम अगर ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो वी बिकेम मोर क्रिएटिव। इसका मतलब ये है कि अंडर एनी गिवन सिचुएशन, चाहे वो सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो, तो जब आप किसी सिचुएशन में हैं आप पहले के नज़र कंपैरिजन में अब जब आप ये चीज़ें फॉलो करना शुरू करते हैं तो अपने आप को बेहतर महसूस कर पाएंगे और आप देखेंगे कि आप पहले से ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं। किसी भी गिवन सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से नए नए एवेन्यूज सर्च कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे और आपकी क्रिएटिविटी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइज, सेकेंड पॉइंट है यू बिकेम मोर प्रोडक्टिव। इसका मतलब ये है कि जब आप चैनलाइज होके काम करेंगे और आप अपने पोटेंशियल को, अपने टाइम मैनेजमेंट को और बाकी चीज़ों को भी चीज़ों को फॉलो करते हैं प्रॉपरली, और जो एक्टिविटीज़ हम बताएंगे आगे चल के वीडियो में वो फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होगा, यू विल फील मोर प्रोडक्टिव। आप पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनेंगे क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स उसमें बेहतर मिल पाएंगे। गाइज, थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ बाई फॉलोइंग दीज मी टाइम एक्टिविटीज़। होगा ये कि जब हम ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, बिकॉज वी गेट एंगेज्ड इन मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो हमारे को दिमागी तौर पर शांति तो देती हैं, साथ ही साथ हमारे दिमाग को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त भी करती हैं। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि
मेंटल एबिलिटीज हमारी जो है पहले से बेहतर हो जाती है, याददाश्त रखने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है, और क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ ओवरऑल बेहतर हो जाती है। तो फोर्थ पॉइंट है बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब ये है कि आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो भी बाई डिफ़ॉल्ट धीरे धीरे करके बूस्ट होना शुरू होता है, क्योंकि जब आप नी टाइम अपने साथ में गुजारते हैं, अपनी चीज़ों को जो आपको पसंद है वो करते हैं, और वो टाइम आपका एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप और ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं, और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप फील करना शुरू कर देते हैं विद इन कि आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बूस्ट हो रहा है। तो ये आपको एक सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं। तो गाइज फिफ्थ पॉइंट है बिकेम मोर हेल्दी बाई फॉलोइंग दीज एक्टिविटीज़। जो मैं डिस्कस करूँगा वो एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं जो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, तो अगर आप वो चीज़ें फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से और रेगुलर बेसिस पे, तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपकी हेल्थ जो है धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू होगी, आपका स्टेमिना भी बढ़ना शुरू होगा, और साथ ही साथ आप और ज़्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ जो हम डिस्कस करेंगे उनको आप स्टार्ट करिएगा फॉलो करना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे गाइस हमारा सिक्स पॉइंट है हैव अ बेटर क्लैरिटी। तो जब हम माइंडफुलनेस फॉलो करेंगे, जो हम एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे वो फॉलो करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हम किसी भी गिवन सिचुएशन में और ज़्यादा क्लियर विजन के साथ में, क्लियर विजन क्लियर थॉट्स के साथ में काम कर पाएंगे, और हमें हेल्प मिलेगी कि हम ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम कर पाएंगे। गाइस सेवन्थ पॉइंट है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है कि जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करने वाले हैं करेंगे, तो उसके बाद आपको ना अपना कॉन्फिडेंस भी बेहतर होता महसूस होगा, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ आपको इंटरनली, मेंटली और आपका हेल्थ वाइज तीनों तरीके से आपको मोटिवेट करती है, सपोर्ट करती है, आपको बेहतर बनाती है। तो जब आप आपकी हेल्थ पॉइंट से भी आप बेहतर बनेंगे, आपका माइंड बैलेंस भी बेटर होगा, आप क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनेंगे, तो ऑब्वियसली आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। गाइज लास्ट पॉइंट है फॉलो एम्पैथी। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा, यू बिकेम मोर एम्पैथिकल, और आप कभी भी किसी भी गिवन सिचुएशन में किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ जब आप बातचीत कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, तो आपका जो ये आस्पेक्ट है कि यू बिकेम मोर एम्पैथिकल, तो आप बेहतर तरीके से उस इंसान के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे उसकी गिवन सिचुएशन क्या है, कैसे है, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे बनेगा, आपका रिलेशनशिप बेहतर बनेगा उस इंसान के साथ। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन एक्टिविटीज़ को अपने लाइफ में उतारें और फॉलो करना शुरू करें। तो गाइज़ ये थे कुछ बेनिफिट्स जो हम ये एक्टिविटीज़ अब जो डिस्कस करने वाले हैं उसको फॉलो करेंगे तो हमें मिलने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे ये एक्टिविटीज़ क्या है जिसको फॉलो करके हमें ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो चलिए इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो गाइज अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने लिए समय कैसे निकालें और इस समय को कैसे यूटिलाइज करें, और जिसको हम मी टाइम कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो है पॉइंट नंबर वन इज़ एक्सेप्ट योरसेल्फ एज हु यू आर एंड हाउ यू आर। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें खुद को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तो आगे के स्टेप्स में क्या करना है, कैसे करना है, वो समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें खुद को जानना है, हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमें हमारे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, और हमको अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए। वी शुड बी एक्सेप्टेबल फॉर आर सेल्फ, हम जैसे भी हैं हम ऐसे हैं। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। गाइज सेकेंड पॉइंट है फॉलो मेडिटेशन ऑब्लिक स्पिरिचुअलिटी, और आप मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी को 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पे। टाइम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग या दोनों टाइम। और जब आप स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन को फॉलो कर रहे हैं, जब भी आप प्रेयर कर रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं, तो आप शांत बैठ के साथ साथ में आप चाहें तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो नॉर्मल पोस्चर लेके आप जो स्पिरिचुअलिटी में या आप मेडिटेशन के लिए पोस्चर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हुए आप शांति से अपने जो थॉट्स को फ्री हो जाने दीजिए, और आप एक फोकस्ड अप्रोच जैसे रखते हैं मेडिटेशन में, उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हुए आप मेडिटेशन करिए या प्रेयर करिए। तो इससे क्या होगा, आपको आत्म शांति भी मिलेगी
और साथ ही साथ आपका फोकस और क्लैरिटी भी बेटर होगा। गाइज थर्ड पॉइंट है फील हैप्पी विद स्मॉल अचीवमेंट्स एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ। बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को अप्रिशिएट करें छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो हमारी हैं उसके लिए खुद को शाबाशी दें। अक्सर होता ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमारे काम के लिए हमें आके शाबाशी दें या हमारे अप्रिशिएट करें, हमें बधाई दें किसी चीज़ के लिए हमने कुछ अचीव किया तो। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि दूसरे तो करते ही हैं, करें या ना करें, पर सबसे पहले हमें खुद को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। हम कोई भी चीज़ अच्छी करते हैं, कुड बी स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग, अगर आपने वो चीज़ अच्छा किया कोई बार कभी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम कोई एक्टिविटी की और वो अच्छे से आपने सक्सेसफुली डिलीवर किया, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए, वाओ वेल डन, आई हैव डन दिस। तो इस तरह से छोटे छोटे अप्रिसिएशंस आप खुद को देना सीखिए। उससे क्या होगा, आपका जो इनर कनेक्ट है वो और ज़्यादा बेहतर होगा, आप सेल्फ एस्टीम साथ में कॉन्फिडेंस वो आपका डेफिनेटली गेन होना शुरू होगा। गाइज फोर्थ पॉइंट है लेट ऑफिस बी ऑफिस एंड होम बी होम। आज करंट सिचुएशन में ऐसा हो गया है कि हम ऑफिस में घर की बातें या घर की चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं और घर आकर हम ऑफिस की बातें ऑफिस की चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश करें और धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो ऑफिस की चीज़ों को ऑफिस में सीमित रहने दीजिए, घर की चीज़ों को घर में सीमित रहने दीजिए। एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट एक्सेप्शंस रेगुलरिटी नहीं होना चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो दोनों को दोनों की जगह पे रहने दीजिए और इससे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस वो तो मिलेगा ही, साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, टेंशन कम होगा और आप पहले से बेहतर तरीके से जो भी चीज़ करना चाहते हैं कर रहे हैं वो कर पाएंगे। गाइज अ फिफ्थ पॉइंट ऐड फिजिकल एक्टिविटी इन योर लाइफ। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, योगा हो गया या एक्सरसाइज हो गया, आप जिमिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग रनिंग या जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको फिजिकली एंगेज रखे, फिजिकली एक्टिव रखे, फिजिकली चार्ज रखे और जो आपको आपकी हेल्थ बेटर करने में हेल्प कर सके और जो आपको कन्वीनियंट हो, आप इसमें से कोई भी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। गाइज सिक्स्थ पॉइंट है फॉलो हेल्दी हैबिट्स एंड फूड हैबिट्स। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप करते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वो आपको छोड़ देनी चाहिए। फॉर इंस्टांस स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको और ड्रिंकिंग, एक्सेस ड्रिंकिंग, ये सब अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो वो आपको छोड़ देना चाहिए या कम कर देना चाहिए जितना भी कम कर सके, और आपको हेल्दी फूड हैबिट्स जो है अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और अगर खाना भी आप जो है होम कुक खाते हैं तो बेस्ट है, और उसमें भी ऑयल की क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ रिक्वायरमेंट्स। तो ज़रूरी है कि आप हेल्दी हैबिट्स फॉलो करें, हेल्दी फूड खाना शुरू करें, इससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव भी होगी और साथ ही साथ जो आपकी इनहेरेंट डिसीज़ है बिकॉज ऑफ आर डिसबैलेंस इन वर्क लाइफ बैलेंस, जो हैक्टिक शेड्यूल्स हैं उसकी वजह से जो बीमारियां हमको नॉर्मली लोगों को आ रही हैं उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं ये चीज़ें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी हैबिट्स फॉलो करें और फूड हैबिट्स भी आपकी इम्प्रूव करें, राइट। गाइज सेवेंथ पॉइंट है स्टार्ट रीडिंग फॉर 15 to 30 minutes मिनिमम डेली। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बिकॉज इससे हमको काफ़ी बेनिफिट मिलता है टू इम्प्रूव ऑन आवर क्रिएटिविटी, टू इम्प्रूव ऑन आवर नॉलेज और साथ ही साथ हम पर्सपेक्टिव जो लोगों का है किसी टॉपिक को लेके, चीज़ों को लेके, वो भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और हम नई नई चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ओवरऑल बढ़ता है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो भी हैं, चाहे वो बिजनेस फील्ड में हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स में हो, चाहे सिनेमा में हो, किसी भी साइड में हो, उन लोगों की अगर हम बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर लोग उनमें से रीडिंग उनकी एक वन ऑफ दी मोस्ट प्रिफर्ड हैबिट है जो वो डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं। गाइज हमारा आज का जो लास्ट पॉइंट है, एट्थ पॉइंट है, वो है फॉलो योर हैबिट्स एंड इंटरेस्ट। तो
ये सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है जो हमें अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए, और हमें इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी हॉबीज़ और हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जब हम इन एक्टिविटीज़ को करते हैं, हॉबीज़ और इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, तो उससे हमारे को जो अंदरूनी खुशी है वो मिलती है और हम फील करते हैं ओवर एंड अबव द वर्ल्ड। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम ये एक्टिविटीज़ जो है, हॉबी या इंटरेस्ट, वो डेवलप करें और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको फॉलो कर पाएँ। रोज़ या वीकली बेसिस पे उसके लिए थोड़ा टाइम निकालें, और वो टाइम हम डेडिकेटेड वे में निकालें। ऐसा नहीं कि ये एक्टिविटी करनी है तो करनी है, काम ख़त्म, चलो करके ख़त्म करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड फील डेडिकेटेड, यू शुड फील इंटेंस अबाउट दैट, और उसको आप मतलब एक एज एन एक्टिविटी जब आप कर रहे हैं तो उसमें घुस जाइए, उसको फील करिए पूरा, और बाकी सब चीज़ों को उस टाइम पे आप छोड़ दीजिए, सिर्फ उस एक्टिविटी में आप हो जाइए। उससे क्या होगा, आपको मेंटल पीस मिलेगा, सेल्फ एस्टीम आपका बेटर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मी टाइम जो आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं बाहर, वो चीज़ आपको विद इन मिलेगी। तो ज़रूरी है कि आप ये सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो करिए अपनी लाइफ में। आप चाहें तो इसमें से कुछ एक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो सभी को कुछ टाइम शेड्यूल बनाकर किसी तरह से फॉलो कर सकते हैं। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होने वाले वो मैंने आपको पहले बता दिया, तो अब आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी बेहतर हो रही है, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ रही है, और आपकी फिज़िकल एबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो में हमने बात करी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो चीज़ है वो है हमारा अपना टाइम हमारे खुद के लिए, जो हम मिस आउट करते हैं आज की लाइफ में, आज के वर्किंग कल्चर में। तो हमें अपने टाइम को एक डेडिकेटेड वे में थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए, खुद के लिए निकालना चाहिए। तो गाइज, हम अपना वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।